तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इतना टाइम से जो हम वीडियो बना रहे थे, देखिए हम मेन चीज़ आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि देखिए यूट्यूब पे जो भी लोग प्रैंक वीडियो सब बनाता है, अब सभी लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी समझ में आ गया है कि ये जो वीडियो सब रहता है, ये सारा वीडियो प्री प्लानिंग रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है कि इस हिसाब से काम करना है और उसी हिसाब से वीडियो डालते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें अच्छा अच्छा काम भी किया है, जैसे कि आप लोग सनी आर्या को जानते होंगे, ताल का प्रैंक, जैसे और भी है अरमान मलिक, ये लोग अच्छा काम किया है। कहने का मतलब यूट्यूब से जो प्रैंक वीडियो से स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल तक पहुंचा है, एक अच्छे बेहतरीन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है और ये लोग एक्चुअल में लोगों की हेल्प भी की है। लेकिन अगर सुजीत पांडे, इसका टीम, उसके बाद प्रकाश सिंह, अंकिता, अगर इन लोगों की बात की जाए तो इन लोगों का इंटेंशन बस इतना ही रहा है कि किस हिसाब से लोगों का इंटेंशन अपने ओर खींचा जाए। हेल्प करने की बात तो दूर दूर तक आती ही नहीं है, दूसरे से, कहने का मतलब कोर्स के नाम पे या कोई भी चीज़ के नाम पे दूसरे से बस पैसा लेने की बात होती है। बाद बाकी धीरे धीरे ये लोग भी अपना सही लाइन में पकड़ रहे हैं। जैसे सुजीत पांडे की अगर बात किया जाए तो सुजीत पांडे हुआ, उसके बाद एक छोटा लड़का था वो रवि रंजन, तो ये लोग अब अपने हिसाब से वीडियो शूट कर रहे हैं। जो एक्चुअल में फ़नी वीडियो रहता है वो वीडियो प्रॉपर ये लोग शूट कर रहे हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं पर पेड़ से पैसा गिरने वाला वीडियो सब शूट करता है, कभी किसी बाबा से बात करते रहता है, किसी को माला पहना देता है, ये वीडियो सब शूट करते रहते हैं और एट द एंड लोगों को बता देता है कि ये वीडियो बस फनी वीडियो हमें एक बना रहे थे जिसके लिए हंसी मजाक था, ये सारा कुछ बता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद अगर अंकिता की बात की जाए तो ये एक प्रकार से इमोशनल वीडियो बनाने की कोशिश करती है जिसमें लोगों को लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, लाइफ में इससे ज़्यादा परेशानी और किसी को है नहीं, और वही चीज़ लगातार ये लोग वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं। और प्रकाश सिंह बादल भी उसी में उलझा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि सीधा बात है कि कुछ नया करने के लिए भाई अच्छे लोकेशन पे जाना पड़ता है और अच्छे लोकेशन पर अच्छे अच्छे वीडियोज भी शूट करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं सुजीत पांडे कर रहा है और ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कब कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश सिंह के पास ये मौका था कि जब उसका चैनल पर लाखों में व्यूज आ रहा था तब उसके पास मौका था कि वो अपने कंटेंट को बेहतरीन कर सकता था, लेकिन उन मौका को उन्होंने छोड़ दिया। हम भी जो पहले वीडियो इन लोगों के ऊपर बनाते थे तो डालते थे, दूसरे दो रोज़ 5,000, 10,000, 15,000 व्यूज आता था। क्यों आता था, इसका रीज़न एक ही था कि इन लोगों का अगर लाख में व्यूज जाता था तो मेरा तो 10,000, 20,000 व्यूज बन ही जाता है, उतना व्यूज तो बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब एक्चुअली बात सबको समझ में एक्चुअल बात आने लगा तो उसके बाद, क्योंकि सीधा बात है कि हम जो बताते हैं हम तो इन लोगों को एक्सपोज ही करते हैं, तो लोगों को भी समझ में आ गया कि अगर अमर बाबा बात करेंगे, अमर भाई बात करेंगे तो वो इन लोगों के खिलाफ ही बात करते हैं। जियो प्रॉपर, आप धीरे धीरे इस कॉन्टेंट से हम भी बाहर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए इंटरटेनिंग कॉन्टेंट और एक्चुअल में बेहतरीन कॉन्टेंट जो है वो आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करने में लगे हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो वीडियो हम आप लोग देखे होंगे इसमें थंबनेल में कोई और का फोटोज हम यूज किए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से आदमी का इंटेंशन इस वीडियो पे रहता है। अगर आदमी के लोगों का इंटेंशन अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा रहा, तो इस कैटेगरी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज डालने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, और आगे से आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। नमस्कार।